A very good afternoon sure. and warm greeting to all of you. Respected guest speaker, Dr. Poonam Gaur, Director, IMT College of Science and Technology, Dr. Poonam Pandeyman, Dean Academics, Dr. C.S. Yadav. HOTBA, Ms. Indu Jain, my fellow colleagues, and my dear students. I, Mukta Tiwari, welcome all of you on today's guest lecture on the topic Flander Interaction Analysis. The resource person for this session is. Dr. Poonam Gaur ma'am, I am uh, I'm very privileged and honored to introduce our resource person, Dr. Poonam Gourmam Has done MSc Physics from Delhi University. She is a gold medalist, uh, and uh, she is a gold medalist in BA, and she has done his BA from uh, Dayalbagh uh, Agra, and MEd and PhD in Education from Jamia Millia She has a total thirty-seven years of experience in education sector she is a founder member of scrt and retired as a principal from diet motiwak, new delhi. she has given her service there around 34 years. after retirement, she is associated with different universities like md university, ip university, etc. she is a member of different academic bodies like american indian foundation, edu educational organization, bhagidari organization, hindi urdu advi sangha. She has won many national and international awards also. When we talk about uh, her publication, she has, she has more than 40 uh, paper in UGC general. More than 20 uh, papers she has uh, published, presented in international and national seminar. She has completed five projects at state level. She is the author of more than 10 books in the field of education. She has guided many MED MA and PhD students for their dissertation.

इसके ऊपर मैं फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंटरेक्शन एनालिसिस का मतलब क्या है इसकी आवश्यकता हमें पड़ी क्यों फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस की तो फ्लैंडर्स ने अपने शब्दों में ही सबसे पहले ये डिफाइन करने की कोशिश करी कि ऑल टीचिंग है क्या वैसे अगर हम अपने शब्दों में देखें एक साधारण रूप में तो टीचिंग इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस जिनके हम अपना उनके लिए उनका व्यवहार चेंज करना चाहते हैं जो जो टीचर है वो इसमें एक मुख्य भूमिका निभाता है और बच्ची के व्यवहार में एक पॉजिटिव एटी डेवलपमेंट करना चाहता है पॉजिटिव एटीट्यूड की और उसके व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है और इन इन द सेम वर्ड्स फ्लैंडर्स डिफाइंस टीचिंग एज एन प्रोसेस मींस पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्योंकि टीचिंग में स्टूडेंट्स का जितना स्थान है टीचर का भी स्थान है इसके साथ साथ जरूरत पड़ती है हमें लर्निंग मटेरियल के भी टीचर और स्टूडेंट्स दोनों लर्निंग मटेरियल से भी इंटरेक्ट करते हैं इन दिस प्रोसेस टीचर इन्फ्लुएंसेस द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आल्सो इंटरेक्ट विद द टीचर इंटरैक्शन टेक्स प्लेस अमंग द स्टूडेंट देम सेल्स ऑल्सो हाउ इज इट पॉसिबल क्योंकि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो टीचर्स डायरेक्टली स्टूडेंट से इंटरक्ट uh, करता है और जब स्टूडेंट्स को और जब अध्यापक टीचर्स से फीडबैक मांगते हैं एट दैट टाइम स्टूडेंट्स आल्सो इंटरेक्ट विद टीचर्स ड्यूरिंग द फीडबैक क्योंकि जो फीडबैक होता है वो टीचर को ये समझने में मदद करता है कि उसका पढ़ाया गया बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और इंटरेक्शन टेक्स प्लेस अमंग स्टूडेंट्स ऑल्सो इसका मतलब ये है कई बार क्या होता है जो पीयर ग्रुप लर्निंग होती है दैट इज वेरी वो बड़ी बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट्स के लिए तो इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं कई बार जब उन्हें समझ नहीं प्रोसेस in तो इस टीचिंग प्रोसेस में जो भी इन्वॉल्व होता है वो सारे इस प्रोसेस में जुड़े हुए होते हैं टीचर स्टूडेंट्स थ्रू लेक्चर क्रिटिसाइजिंग गिविंग डायरेक्शन एक्सेट्रा टीचिंग में टीचर स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देता है और वो डायरेक्शन किसी भी रूप में हो सकती है आइदर इन क्वेश्चन फॉर्म्स आइदर इन लेक्चर फॉर्म आई ड्यूरिंग थ्रू फीडबैक आल्सो टीचर गिविंग डायरेक्शन इफ दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव देन वी कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स But if the direction is not clear to the students, then students will not be able to understand what is taught by the teachers to the students. So it's, it is very clear that teacher will uh, give direction or uh, teacher will try to make uh, their uh, teaching learning process very effective. So the students will be able to understand what the teacher is teaching inside the classroom. That is why we are saying that teacher influences students. टू लेक्चरस अस अगर टीचर अच्छा है तो बच्चा खुश होता है क्योंकि टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में आ रहा है अगर टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा जो है वो स्टूडेंट जो है वो ये सोचता है आज तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया सो डायरेक्शंस बड़ी क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स रिएक्टेड टू द टीचर्स लेक्चरस एंड क्वेश्चंस दे गिव रिस्पांस अब टू स्टूडेंट्स रिस्पांस कैसे देगा स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स तभी देगा ना जब उसे टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है फीडबैक द स्टूडेंट्स टू टीचर्स। सो इफ द टीचर आज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स की वेदर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट दिस रिस्पॉन्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स टू टीचर ऑन दैट बेसिस टीचर कैन जज Themselves, कि हमने आज क्लास में जो पढ़ाया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हमारे हमारे व्यवहार के लिए कि हमें अपने टीचिंग प्रणाली में क्या सुधार करना है और टीचर स्टूडेंट्स के रूप में कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सो फ्लैंडर्स का फ्लैंडर्स ने बोला कि टीचिंग एक इंटरक्टिव प्रोसेस है एक इंटरैक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ आर टेकिंग पार्टिसिपेशन और टीचर्स विल गिव क्लियर कट डायरेक्शन टू द टीचर थ्रू हिज और हर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग नाउ अगेन की वॉट इज द टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस वॉट एवर फ्लैंड से इंस्पायर डिसाइड दैट की वॉट इज द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन क्या है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इन दी क्लासरूम इन्वॉल्व इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्सरली जब हम क्लासरूम पढ़ा रहे होते हैं तो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में टीचर और स्टूडेंट्स की इंटरक्शन तो आती है क्लास रूम का एटमोसफियर भी आता है क्यों क्योंकि अगर इंटरक्शन में टीचर और स्टूडेंट्स टीचर्स पढ़ाते समय इफ द स्टूड इफ द टीचर्स गिव्स द एग्जाम्पल अराउंट दी एनवायरमेंट

It is the aim of this education. But the main of education is to bring positive change among the behavior of the students. And or a positive change. Kaise ho sakta this positive change can bring through teaching or which teaching? Effective teaching. And if how the teacher can bring effective teaching in the classroom, if the teacher is associated his or her teaching with the daily life examples of the students. So this classroom behavior or interaction is also plays very important role for the effective teaching learning situation. Thus, a systematic or objective analysis of the teacher's classroom interaction may provide a reliable assessment of what goes on inside the classroom in terms of teaching and learning. Similarly, as I told earlier, on the basis of his or her teaching, if the teacher asks the if the teacher wants to evaluate the students on the basis of the question asked by the teacher and the whatever responses given by the students to the teachers, on that basis, teachers can evaluate his or her classroom teaching, whether classroom teaching was effective or not. Or the on the responses of the students, the teacher can will be able to judge whether the content will be understood by the teacher or by the student, or not. अंडरस्टैंड बाई द स्टूडेंट और नॉट सो इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन बिटवीन दीचर एंड टॉट एंड द्लासरूम एटमोस नाउ वट इज एन इंटरैक्शन एनालिसिस जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं फ्लैंड इंटरेक्शन एनालिसिस है क्या इंटरक्शन इट इज अ प्रोसेस ऑफ एन कोडिंग एंड डी कोडिंग अ पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द कॉम्युनिकेटर एंड रिसीवर अब यहाँ पर कॉम्युनिकेटर कौन है यहाँ पर कॉम्युनिकेटर टीचर है और रिसीवर कौन है रिसीवर स्टूडेंट्स है एन कोडिंग और डी कोडिंग एन कोडिंग इट इज अ राइटिंग प्रोसेस सिंपली अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो एन कोडिंग इज अ राइटिंग प्रोसेस और वॉट इज डी कोडिंग डी कोडिंग इज अ रीडिंग प्रोसेस अब यह हेल्प कैसे करता है

और डिकोडिंग क्या करता है डिकोडिंग उन्हें समझने में मदद करता है उन चीजों को पढ़ने में मदद करता है सपोज एक टीचर ने कंप्यूटर पे कुछ अब मान लीजिए वो लैपटॉप से पढ़ा रहा है और उसका पीपीटी चल रही है तो वो क्या मान लीजिए कुछ बोलता है और एन को और वो आ, कुछ लिखता है तो बच्चा उसको पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा तो जो लिख रहा है जो दे रहा है वो एनकोडिंग हो गया और जो बोल रहा है जो बच्चे समझ रहे हैं वो डी तो टीचर जो बोल रहा है वो एनकोडिंग के रूप में और बच्चा जो समझ रहा है टीचर स्टूडेंट्स को जो समझ आ रहा है उसको आप डिकोडिंग के रूप में ले सकते हो सो वी कैन से इंटरेक्शन एनालिसिस है ना वो प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग और डिकोडिंग पैटर्न है कि टीचर कैसे समझा रहा है अपने कंटेंट को और बच्चा उस कंटेंट को किस रूप में ले रहा है क्लासरूम में दिप इन सिंपलर वे इट इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग टीचर कैसे आ, टीच बच्चों को पढ़ा रहा है और हम उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड मीन्स आप टेप से रिकॉर्ड कर सकते हो आप अपने आ, जो आजकल लेटेस्ट जो गैजेट्स है उनके द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हो टीचिंग को जैसे अभी हमारी टीचिंग रिकॉर्ड हो रही है उसके बाद हमें पता चलेगा कि, 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 कि किस रूप में पढ़ाया गया तो कई चीजें होती है उसे तो हम क्या करते हैं एनकोडिंग जो होता है ना वो रिकॉर्डिंग में मदद करता है हम किस रूप में पढ़ा रहे हैं राइटिंग प्रोसेस कहने का कहने का जो ढंग है उस रूप के प्रोसेस को और डीकोडिंग बच्चा कैसे समझ रहा है वैसे यहाँ पर तीन तरह की चार तरह की इंटरेक्शन एनालिसिस होती है पहला है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम इक्विवेलेंट टॉक कैटेगरीज वर्बल इंटरेक्शन कैटेगरी सिस्टम बट वी आर टॉकिंग ओनली हियर फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस ये मोस्ट सुटेबल है इन द फील्ड ऑफ इंटरेक्शन क्लासरूम इंटरेक्शन एनकोडिंग और डी कोडिंग एन इज द कन्वर्सन ऑफ साउंड टू सिंबल्स कन्वर्जन मीन्स जो मैं हम बोलते हैं और डी कोडिंग इज द कन्वर्जन ऑफ सिंबल्स टू साउंड मतलब जो हम बोलते हैं वो एक प्रतीकात्मक साउंड मीन्स वो ध्वनि नहीं प्रतीकात्मक रूप में और डी कोडिंग जो हमने जो प्रतीकात्मक रूप है वो बच्चों तक पहुंचना हमने जो पढ़ाया और उसके बाद जो बच्चों तक पहुंचा द डी कोडिंग ऑफ अ मैसेज इज हाउ एन ऑडियंस मेंबर इज एबल टू अंडरस्टैंड आ गया ना कि बच्चा उसको कैसे समझता ऑडियंस या स्टूडेंट है एंड इंटरप्रेट द मैसेज मान लीजिए कई कुछ हमने पढ़ाया सपोज एक, -एक लेती हूं। अब मैथ्स में एक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल प्लस टू ए बी अब मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया अब मैंने सवाल दिया टू प्लस थ्री को सॉल्व करो अब बच्चे को यह समझना है कि व्हाट इज ए व्हाट इज बी एंड हाउ वी कैन व्हेन वी वी विल मल्टीप्लाइड बाय टू टू प्लस टू प्लस थ्री टू प्लस टू इंटू टू इंटू थ्री कैसे और इनको जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो तो ये डिपेंड करता है कि वेदर द स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला और नॉट कि व्हाट इज ए व्हाट इज बी एंड हाउ वी कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट ठीक है सो इस तरह से टीचर जब क्लासरूम में और सपोज एक एग्जाम्पल है व्हाट इज फोटोसिंथसिस या प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं सूर्य की रोशनी में इस तरह से जब हम बच्चे को बच्चे टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा उसको समझ ले तो वो डिकोडिंग के रूप में आ जाता है कोडिंग क्रिएट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर्स टू फॉलो जब हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तब ये कोडिंग जो होती है ना वो कई इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं इसी तरह क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रही है तो एनकोडिंग कैसे होगी क्लास टीचर कहेगी चुप मैं जो पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनो और सुनने के बाद उसका तुरंत बच्चों से फीडबैक लेगी तो जो बच्चे उसको समझ रहे वो उसका डी कोडिंग हो गया नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस अब फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है द क्लासरूम वर्बल इंटरेक्शन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव द टीचर कैन इंक्रीज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन हिज टीचिंग अब क्लासरूम इंटरेक्शन में टीचर का पार्टिसिपेट टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं एज अ ट्रेनी आप लोगों को देखते हैं जब आपके टीचर एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो आपको पढ़ाने के लिए बताते हैं पैडागॉजी में अगर साइंस की है मैथ्स की है हिंदी की है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो इस सब्जेक्ट को आपने किस रूप में पढ़ाना है उसमें डिस्कशन मेथड होता है डिबेट कराते हैं रोल प्ले कराते हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान आप लोगों को सिखाया जाता है आपने कैसे पढ़ाना डिफरेंट स्किल्स के माध्यम से चाहे वो क्वेश्चनिंग स्किल हो चाहे वो पार्टिसिपेशन स्किल हो होमवर्क कैसे देना है तो द टीचर कैन इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन इज टीचिंग थ्रू आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में इसके हम अपनी कोई भी कंटेंट को इस रूप में पढ़ाएं चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो चाहे वो पोयम रेसिटेशन हो चाहे वो डिस्कशन हो हमने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करना है हमने ये नहीं कि जस्ट लेक्चर दिया क्लास खत्म थर्टी फाइव मिनट्स की क्लास हो गई क्लास खत्म क्लास से बाहर चले गए नो no. हमें स्टूडेंट्स को ऐसे इन्फ्लुएंस करना है कि वो डायरे वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे इसलिए क्लास में जाने से पहले कहते हैं ना लेसन प्लान बनाना एडवांस लेसन प्लान वो इसीलिए होता है कि हम कैसे पूछे बच्चों को कैसे एक्टिविटी करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ टीचर मे बी शिफ्टेड टू इनडायरेक्ट बिहेवियर विच इज मोर सुटेबल इन डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ डायरेक्ट बिहेवियर डायरेक्ट बिहेवियर का मतलब होता है टीचर स्ट्रेट फॉरवर्ड बने ऑनेस्ट बने मे बी शिफ्ट टू इनडायरेक्ट बिहेवियर कि पहले वो बच्चों को समझाए और फिर पीछे खड़े होकर बच्चे को मोटिवेट करे ये होता है पहले हमने बच्चे को समझाना है और उसके बाद उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनको मोटिवेट करना है प्लीज रिस्पोंड करो रिस्पोंड करो ये नहीं अगर मान लीजिए हमने उनको बता दिया फोटो से पौधों पौधों का रंग जो पत्तियों का रंग है वो हरा क्यों होता है पढ़ाते हुए आपने बता दिया कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है इसलिए उसका रंग हरा होता है अब इनडायरेक्ट क्या है पहले तो हमने डायरेक्टली बताया पढ़ाते हुए इनडायरेक्ट ये कि हम बच्चे से पूछे कि बेटा बताओ क्यों रंग हरा होता है इफ दे आर नॉट एबल टू गिव तो उन्हें मोटिवेट करना वेरी गुड डायरेक्टली मत करो किसी और स्टूडेंट से पूछो किसी ना किसी को क्लास में जवाब कोई बच्चा देगा अगर वो बच्चा जवाब दे हाँ फिर उस बच्चे को लिंक करो देखो इस आ, इस स्टूडेंट ने इस रूप में बोला है कि पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल की वजह से होता है अब आप बताओ कि पत्तियों का रंग हरा क्या होता है एट दैट टाइम स्टूडेंट जो है ना वो जरूर रिस्पॉन्स करेगा सो so, डायरेक्टली कभी भी बच्चे को ब, बच्चे से डायरेक्टली आप पढ़ाने के बाद इनडायरेक्ट वे में उसको मोटिवेट करो उसका फीडबैक लेने के लिए टेप रिकॉर्डर वीडियो टेप कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग जैसे मैंने भी बताया रिकॉर्डिंग आप किसी भी रूप में कर सकते हो उसके बाद अपनी गलतियां देख सकते हो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है हमारे यहाँ तो माइक्रो टीचिंग में रिकॉर्डिंग नहीं होती बट अब थोड़े थोड़ी माइक्रो अपने मा, आ, जो आपके मोबाइल है उसमें रिकॉर्डिंग होने लग गई है जब हम रिकॉर्डिंग जब हम पढ़ते थे तब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तब तो वीडियो टेप कहा होते थे इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर होता था कॉल लेके जाता था अब आजकल तो आपके पास मोबाइल होता है आप अपनी टीचिंग को माइक्रो टीचिंग को जब आप रिकॉर्ड करोगे आपको पता चलेगा कि आपने ये स्किल कैसे प्रेजेंट करी चाहे वो क्वेश्चनिंग है चाहे वो इंट्रोडक्शन है चाहे वो एक्सप्लेनेशन है तो इसी तरह से प्लैंड इंट्रेक्शन एनालिसिस में अगर टीचर पढ़ाते हुए अपनी रिकॉर्डिंग करे और उस रिकॉर्डिंग को देखे कि हाँ भाई हम यहाँ पर कमी है हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं रिकॉर्डिंग का पर्पज है इम्प्रूवमेंट रिकॉर्डिंग का पर्पस ये नहीं है कि सजा देनी है किसी को रिकॉर्डिंग का पर्पज है कि हाउ द टीचर कैन इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग ठीक है फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग फॉर द स्टूडेंट्स द ट्रेनी कैन एनकोड डी कोड इज ओन बिहेवियर ट्रेनी जो होते हैं ट्रेनिंग मीन पीपल टीचर्स कैन एनकोड एंड डीकोड हिज ओन बिहेवियर वो कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हुई है और आपको ये पता है कि हमने यहाँ पर अपने आप को इंप्रूव करना है This technique can also be combined with other feedback device such as micro teaching and simulated teaching. जब आप फ्लैंड इंटरेक्शनिस पढ़ रहे हो पढ़ाते हुए जब आप इंट्रैक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ और उसके बाद जब आपको ये लगता है जो आपके रिकॉर्डिंग है उसको देख के कि आप हमारे को कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं तो माइक्रो टीचिंग और सिम्यूलेटेड टीचिंग के दौरान आप उसको इम्प्रूवमेंट माइक्रो टीचिंग आप सबको पता होगी स्मॉल स्केल टीचिंग होती है जहाँ पर कि टीचर्स जो टीचर्स होते हैं वो तीनों तरह के रोल प्ले करते हैं एज अ टीचर एज अ सुपरवाइजर एज अ स्टूडेंट और सिम्युलेटेड टीचिंग होती है आर्टिफिशियल सिचुएशन जैसे पायलट ट्रेनिंग हो गई और भी कोई ट्रेनिंग होती है इसको पायलट ट्रेनिंग भी बोलते हैं सिम्युलेटेड टीचिंग को इसको लेबोरेटरी टेक्निक भी बोलते हैं क्योंकि इसका कि माइक्रो टीचिंग इन सिम्युलेटेड कंडीशंस मतलब हम बच्चों को कृत्रिम वातावरण में कृत्रिम वातावरण में माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग सिखा रहे हैं बिफोर दी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जब आप स्कूल एक्सपीरियंस जब आप स्कूल में जाते हो उससे पहले माइक्रो टीचिंग होती है डिफरेंस स्किल इसमें ना दो तरह के होते हैं या तो बाय पार्ट्स बाय होल बाय होल हो गई जब आप स्कूल में गए सारे स्किल्स मिल गए तो आपकी टीचिंग बन गई माइक्रो टीचिंग में हम एक स्किल लेते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर एक स्किल लेते हैं फिर सो ये जो जब आप अपना एनकोड और डी कोड रिकॉर्डिंग बिहेवियर रिकॉर्डिंग से अपने बिहेवियर को जान लेते हो तो आप माइक्रो टीचिंग के दौरान फिर वो गलती नहीं करते जो आपने इंटरैक्शन एनालिसिस के प्रैक्टिस में करी थी फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम अब एनालिसिस की बात कर ली कैटेगरीज होती है फ्लैंडर्स डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस टू स्टडी वॉट इज है क्लासरूम टीचर टीचर जब बच्चा टीचर पढ़ा रहा है तो क्लासरूम में क्या हो रहा है इट इज कॉल्ड फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस फ्लैंडर्स ने जो इंटरेक्शन उसने जो डेवलप किया था उसने वर्बल बिहेवियर को टीचर के वर्बल बिहेवियर को दस कैटेगरीज में बांटा है वर्बल बिहेवियर जो है उसमें तीन होते हैं तीन तरह के टॉक्स को लिया है टीचर्स टॉक स्टूडेंट्स टॉक्स साइलेंस और कंफ्यूजन जो टेन कैटेगरीज है उसमें टीचर टॉक में सेवन कैटेगरीज आती है पीपल टॉक में टू कैटेगरीज आती है और साइलेंस में एक दो फर्स्ट सेवन कैटेगरीज हैं वो टीचर्स टॉक है उसके बाद पीपल टॉक आता है और लास्ट जो टेंथ कैटेगरी है वो पॉज की उसको साइलेंस बोलते हैं सो so, जो जो टीचर्स टॉक है उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो कैटेगरीज है टीचर्स टॉक में तो जो टीचर्स टॉक की अब फ्लो चार्ट कैसे है टीचर्स टॉक में जो इनडायरेक्ट टॉक है टीचर्स टॉक की जो इनडायरेक्ट टॉक है इनडायरेक्ट टॉक का मतलब जहां पर आप मैंने आपको बताया था ना मोटिवेशन देना इनडायरेक्ट जहां पर टीचर डायरेक्टली फीलिंग्स फीलिंग्स का मतलब होता है बच्चे की भावनाओं को एक्सेप्ट करना बच्चा अगर खुश है अगर आपके पढ़ाने से बच्चा खुश है तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो उसकी जो फीलिंग्स है उसे एक्सेप्ट करो उसकी मुस्कुराहट से आप उसकी फीलिंग को जज कर सकते हो प्रेज उसको प्रेज करो उसको इनकरेज करो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो अगर आप बोलते नहीं हो उसकी पीठ थपथपा दो आपकी पीठ थपथपाने थप से ही उसको वो खुश हो जाएगा क्लैपिंग कर दो एक्सेप्ट आइडियाज ऑफ पीपल्स कई बार क्या होता है हम कुछ पढ़ा क्या होता है लर्निंग इज ए टू वे प्रोसेस इफ द टीचर्स टीचिंग समथिंग एट दैट टाइम स्टूडेंट्स विल गिव एक्साम्पल इफ यू आर आस्किंग फॉर

जब आप पढ़ा रहे हो उस पढ़ाते में जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो और स्टूडेंट्स के साथ आपको कोई स्टूडेंट्स आइडियाज देते हैं तो उसे एक्सेप्ट करो उस आइडियाज को आप कहीं और भी यूज कर सकते हो आस्किंग क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कभी भी डायरेक्टली रिस्पॉन्ड मत करो हमेशा क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चंस पूछ के ही आप उसके साथ सही निष्कर्ष पर सही आंसर पर पहुंचो और पढ़ाते हुए भी कभी डायरेक्टली भी आप पढ़ाओ मत आस्किंग क्वेश्चंस देन यू विल और उसके बाद टीचर स्टेटमेंट देते जाओ और अपने कथन को आगे बढ़ाते जाओ डायरेक्ट में है लेक्चर लेक्चर गिविंग गिविंग क्रिटिसाइजिंग और दे दिया पढ़ा के क्लास से चले गए डायरेक्शन दिया देखो ये मैंने होमवर्क दिया यहाँ 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 मिल जाएगा जाओ या फिर क्रिटिसाइज कर दो तुम्हें कुछ नहीं आता तुमने गलत कर दिया हेलो हेलो हाँ जी मैम हाँ जी मैम तो डायरेक्ट टॉक कैटेगरी में जो जो इनडायरेक्ट टॉक कैटेगरी है वो मोटिवेशन के लिए कि आपने इनडायरेक्टली बच्चे को मोटिवेट करना है उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है उससे क्वेश्चंस पूछ के कंटेंट को आगे बढ़ाना है और डायरेक्ट टॉक कैटेगरी में आप सिर्फ डायरेक्शन देंगे लेक्चर देंगे और जस्टिफाइंग क्रिटिसाइज करेंगे कि योर एट द टाइम ऑफ फीडबैक योर आंसर इज नॉट करेक्ट योर आंसर इज करेक्ट अगर उसका आंसर करेक्ट नहीं है तो आपको इनडायरेक्ट वे में उसको करेक्ट करना है थ्रू क्वेश्चन नेक्स्ट है प्यूपिल टॉक प्यूपिल टॉक में कैटेगरी आठ है कैटेगरी नौ है कैटेगरी आठ में प्यूपल टॉक रिस्पॉन्स और कैटेगरी नौ है प्यूपल टॉक इनिशिएशन कैटेगरी ऑफ पीपल टॉक रिस्पॉन्स का मतलब है कि बच्चा क्या कहना चाहता है उसके रिस्पॉन्स को हमने नोट uh, करना है जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा एक एक एग्जाम्पल देती हूँ जैसे मैं अब आपसे फोटोसिंथेसिस की बात कर रही थी आपको आप क्लास में पढ़ा रहे हो एक माइक्रो uh, टीचिंग में ही आपको मान लीजिए क्वेश्चनिंग के ऊपर या स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन अब स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में आप उनको पढ़ाने जा रहे हो पौधों के पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अब कैसे आपने कविता सुना दी हरे भरे लहराते पेड़ सबके मन को भाते पेड़ पेड़ के होते बहुत से भाग परवे रहते हैं सब साथ तना पत्तियां टहनी फूल साथ में जड़ है उनकी मूल आओ मिलकर पेड़ लगाएं इस धरा को हरा बना है अब, अब 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 रिस्पॉन्स लेना बच्चों का अच्छा विद्यार्थियों आपको कविता सुनाई है उस कविता में आपने कौन कौन से पौधे के भाग देखे हैं तना है पत्तिया है टहनी है फूल है आ गया रिस्पॉन्स अच्छा आप पौधे का कौन सा भाग है जो कि भोजन बनाता है पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है पत्तियां भोजन बनाती हैं बच्चे रिस्पोंड कर रहे हैं पतिया भोजन बनाती हैं अच्छा अब आपने फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम टॉपिक पे हमने पहुंचना है अभी हम पहुंचे नहीं है अभी हमें इंट्रोडक्शन वाले में अच्छा ठीक है अब कौन अब अब आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पतिया कैसे भोजन बनाती है बच्चे को स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो मैडम अभी हमें नहीं पता तो ठीक है आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि आप पतिया कैसे भोजन बनाती हैं अब आपका यहाँ तक तो हो गया स्किल ऑफ आपने आपने हमने इंट्रोडक्शन स्किल की बात करी आपने स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा इस तरह आप इंट्रोडक्शन क्या होगा टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फूड हाउ द प्लांट्स मेक फूड पौधे भोजन कैसे बनाते अब आप अपना टॉपिक स्टार्ट करोगे अब प्यूपिल अब जो है टॉक इनिशिएशन अब आपका टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा कि पौधों में पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है जब हम पौधे में जड़ में पानी डालते हैं तो उस पानी वो पानी की जो वो पानी पौधे के हर भाग में जाता है और सूर्य की उपस्थिति में पानी है खनिज लवण है जो भी नीचे से है मिनरल्स और क्लो क्लोरोफिल जो है वो सूर्य की रोशनी में खाना बनाता है अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया अब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया सो so, इस तरह से आप बच्चों से भी पूछ सकते हो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया रिस्पॉंस देने के बाद स्टूडेंट्स ने आपको रिस्पांस दिया आपके क्वेश्चन के ऊपर अब वो इनिशिएट क्या करना आपका इनिशिएशन ही होगा कि आप बच्चों से ही क्वेश्चंस निकलवा के इनिशिएट करवाओ कि पौधे जो है वो भोजन कैसे बना रहे हैं आपने क्वेश्चंस पूछने उनको क्वेश्चन को हिंट देना है अच्छा सूरज की रोशनी होती है बच्चा अपने आप बोलेगा हाँ होती है क्या जड़ में पानी डालते हो बच्चा अपने आप बोलेगा हाँ आपने कभी पौधे कैसे बढ़ते हैं जड़ में पानी डालते हैं आम खाया तो कैसे खाया फूल हुआ आया तो कैसे आया आपने क्वेश्चनिंग के माध्यम से ही बच्चों को समझाना तो ये होता है पीपल टॉक इनिशिएशन अब 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 ना तो बच्चा बोले और ना स्टूडेंट्स बोले ना स्टूडेंट बोले और ना ही टीचर बोले तो वो होती है साइलेंस पॉज उसको उसमें कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है और कई बार साइलेंस इसलिए भी होता है पॉज इसलिए भी जाता है कि हमें बच्चे से देखो बच्चे से सही आंसर लेना है तो अब ये कह सकते हैं कि नाइदर टीचर टॉक नॉर पेपर टॉक समटाइम्स इट क्रिएट्स कंफ्यूजन और समटाइम्स थ्रू पॉज वी आर वेटिंग फॉर द राइट रिस्पॉन्स ऑल्सो साइलेंस और पॉज सिर्फ कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट करते कई बार हम हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं अच्छा हम कहते हैं सोचो सोच के हमें सही आंसर दो तो इस तरह से आप ये देखो कि जो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस है उसमें टीचर टॉक में सेवन कैटेगरीज हैं इनडायरेक्ट टॉक और डायरेक्ट टॉक इनडायरेक्ट टॉक जो है वो मोटिवेशन के लिए डायरेक्ट टॉक में हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं पीपल टॉक में दो कैटेगरीज हैं और एक कैटेगरी साइलेंस की है अब वेरियस कैटेगरीज का मीनिंग क्या है देखिए यहां पर जो मैं आपको समझाया वो यहाँ पर अब लिखा हुआ है एक्सेप्ट टीचर एक्सेप्टी फील्सिंग फीलिंग्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे को पनिश क्यों करना उसकी फीलिंग्स की वजह से उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो अगर उसको अच्छा लग रहा है वो कहता है वो, अगर वो उसकी फीलिंग है उसको समझ आ गया वो कहेगा मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है उसको Praise कर दो, अच्छा तो यू, यू दो. वेरी तो 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 उसकी फीलिंग अगर, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना आपकी जिम्मेदारी है टीचर की दूसरा है प्रेज और इनकरेजमेंट टीचर प्रेजेज और इनकरेज स्टूडेंट एक्शन और बिहेवियर टीचर प्रेज करे उसको एनकरेज करे

even by the students वही जो चीज मैंने आपको पहले ऊपर बताई कि आप स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को उसके आइडियाज को उसकी फीलिंग्स को नहीं फीलिंग्स तो हो गई उसकी उसके आइडियाज जो वो दे रहा है आपको और आपने एक एग्जांपल दिया उसने चार एग्जांपल्स और दे दिया मान लो आप उसको शेप्स पढ़ा रहे हो अब आपने शेप्स आपने तो एग्जांपल दिया कि मान लीजिए ट्रायंगल पढ़ा रहे हो आपने तो एग्जांपल दिया ट्रायंगल का कि दिवाली में जो तोरण लगता है ना आप अपने घरों के बाहर जो तोरण लगाते हैं वो सारे ट्रायंगुलर होते हैं अब वो एक एग्जांपल और देता है कि मैडम मैं बिरला मंदिर गया था वहां मैंने जमीन में देखा वहां पर भी ऐसे ट्रायंगल बने हुए थे या वो कोई खाने की चीज मान लीजिए ब्रेड पकोड़ा है वो यही कह देगा कि ब्रेड पकोड़ा भी तो त्रिभुज होता है अब क्या हुआ अब आप, आप तो बात कर रहे थे तोरण की लेकिन उसने आपको दो आइडिया और दे दिया खाने में डेली लाइफ एग्जाम्पल से कि वो बिरला मंदिर गया था आपको नहीं पता आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा एज अ टीचर आप गए बिरला मंदिर गए दर्शन करके आ गए पर उस बच्चे ने ध्यान दिया कि वहां पर भी जमीन में ट्रायंगल बना हुआ है जब हम ब्रेड पकौड़ा खाते हैं वो भी ट्राइंगल होता है तो अब उसके ये आइडियाज को आप ले लो और जब कभी फ्यूचर में कभी पढ़ाया और आप उस आइडियाज को अपनी टीचिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इसका मतलब ये है नेक्स्ट है आस्किंग क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन का मतलब वही सेम कि आप कभी भी बच्चे को जब भी पढ़ाते हो डायरेक्टली ना पढ़ाकर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाओ आस्किंग क्वेश्चन अबाउट कंटेंट और प्रोसेस आइडियाज एक्सेप्टिंग एन आंसर फ्रॉम दीपल सेम आप उसके आंसर को एक्सेप्ट कर रहे हो बट ऑन द बेसिस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ओनली समटाज टीचर आस्क ही कैरीज ऑन हिज लेक्चर विदाउट रिसीविंग एनी आंसर सच क्वेश्चन आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी कई बार क्या होता है कि टीचर बस पढ़ाता चला जाता है और बच्चे से सवाल नहीं पूछता और ना ही बच्चा अगर मान लो सवाल दिया भी तो भी वो पढ़ाने में डायरेक्ट बिहेवियर हो गया हेयर वी आर आस्किंग अबाउट डायरेक्ट बिहेवियर कि हम डायरेक्टली पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चे से सवाल पूछा फिर हम अपने अपने कंटेंट पर आ गए और वो जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा उसको हमने उसको हमने नहीं सोचा तो इस तरह को हमने जो क्वेश्चन है उसको हमने अपनी टीचिंग में इंक्लूड नहीं किया कोशिश ये करना एज अ टीचर कि जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ाओ उस कंटेंट को आप क्वेश्चंस के वे में पढ़ाओ क्वेश्चन के द्वारा पढ़ाओ डायरेक्टली कभी भी डायरेक्टली कभी पढ़ाना ही नहीं चाहिए मेरा तो ये मानना है मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सिखाती थी कि आप डायरेक्टली कभी भी मत पढ़ाओ इनडायरेक्ट वे में पढ़ाओ उसको मोटिवेट करो उसको क्योंकि आप देखो आपकी क्लासरूम इतना लाइवली बन जाएगा इतना अच्छा बन जाएगा ना कि बच्चे को मजा आएगा क्लास में जब आप उसको एक्टिविटीज कराओगे कहानियां सुनाओगे कविताएं सुनाओगे जैसे मैंने अभी आपको हरे भरे लहराते पेड़ पे बात करी थी ऐसे ही वाटर के ऊपर आप सुना सकते हो वाटर के ऊपर कविताएं बन सकती है कहानियां बन सकती ऐसे कोई भी कंटेंट पढ़ाओ उसको इस तरह से पढ़ाओ जोड़ के आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से कि बच्चे को क्लास में मजा आ जाए नेक्स्ट है डायरेक्ट टॉक लेक्चरिंग गिविंग फैक्ट्स और ओपिनियंस अबाउट कंटेंट और प्रोसीजर एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओन आइडियाज गिविंग हिज ओन एक्सप्लेनेशन सीटिंग एन अथॉरिटी अदर देन अप्यूपर और क्या वहां लोग बैठे हुए हैं और आप पढ़ाई जा रहे हो पीपीटी लगा ली पीछे और पढ़ाई जा रहे हो पहले पौधा दिखा दिया फिर पौधे के बाघ अच्छा बच्चों देखो बारिश का मौसम होता है लेक्चर में बारिश का मौसम होता है पौधे ग्रीन और हरियाली आ जाती है देखो पौधे का भाग तना है पत्तियां हैं टहनी है फूल है अब पौधे कैसे बढ़ते हैं पौधों के आप डायरेक्टली बता रही है जो जड़ है ना इस जड़ में आपने खाद डाल दी पानी डाल दिया धीरे धीरे पानी जाइलम और फ्लोएम से उनके हर पार्ट जो पौधे के हर पार्ट में चला गया और उसके बाद जो आपका पत्तियां हैं उन्होंने अगर अगर आम का पौधा है तो वो पांच छह सात साल के बाद पौधा आम देगा ऐसे करके आपने बता दिया कि फूल और फल आ गए खत्म हो गया आपने आपने बत, बता दिया तना जो है उसका काम तने से सारी टहनियां जुड़ी होती हैं पत्तियां जुड़ी होती है तने का काम मुख्य तना जो होता है वो एक स्केल्टन की तरह काम करता है जैसे वो हम हमारे शरीर को हमारी स्केल्टन खड़ा रखती है सीधा ऐसे इस तने को तना जो होता है वो पौधे को सीधा खड़ा रखता है और जो टहनिया हैं वो पत्तियों को पानी देती हैं और पत्तियां जो है वो खाना बनाती है अब अपने और हर पौधे का खाना पौधे के हर भाग के बारे में अलग अलग बता दिया बच्चे को और बच्चे ने सुन लिया बात खत्म हो गई अब आपने उनको डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्शन देने के लिए क्या करेंगे डायरेक्शन देने के लिए आपने उसको वो दिया आपने कहा कि ओपन योर बुक ठीक है ना डायरेक्शन जैसे आपने पौधा आपने क्या किया आपका काम था अगर मान लो आप उसको पौधा पढ़ाने जा रहे हो आप एक दिन पहले कहते सारे बच्चे एक एक पौधा लेकर आओ ठीक है और सारे बच्चे एक एक पौधा लेकर आए और अब आप बोलोगे कि अब आप आपने उन अच्छा बच्चों मैंने जो पढ़ाया है आप ये देखो कि उसमें कौन सा भाग है आपके और आप ड्राइंग बनाओ आप ये कह सकते हो डायरेक्शन देने में ठीक है ना आपने पढ़ा दिया अब आप, आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो पर आपने क्या किया आपने उनको आपने इनिशिएशन करने के लिए स्टूडेंट्स को आपने बोला आप अपनी किताब खोलो और किताब में बना हुआ नीम का पौधा आपने बोला कि चलो बना दो नीम का पौधा और आपने डायरेक्शन दे दिया मान लो कोई बच्चा बोल रहा है शरारत कर रहा है अब आपने उसको क्या दिया खड़े हो जाओ स्टैंड अप ऑन डेस्क ठीक है अगर मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आप बोलोगे फाइव पॉइंट थ्री एक्सरसाइज के जो फोर्थ सवाल है उसको सॉल्व करो इस तरह आपने डायरेक्शन दे दिया जबकि आपकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आपको मैंने अभी पौधे के भाग पढ़ाए लेक्चर में तो आप आप जो पौधा अपने साथ लेकर आयो उसका ड्राइंग बनाओ हो सकता है किसी की जड़ ना हो हो सकता है किसी की पत्तियां ना हो, हो सकता है किसी के पास गुलाब का पौधा हो हो सकता है किसी के पास आ, जो है अर, अर्जुन का पौधा हो अलग डिफरेंट पौधे हैं, बच्चा कोई भी पौधा तोड़ के ले आया तो आपको इस तरह की डायरेक्शन देने है, ये नहीं कि अपनी बुक खोलो और उससे बना लो ये नहीं कहना बेंच पे स्टैंड अप हो जाओ इसी में डायरेक्ट टॉक में ये क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी when the teacher asks the teacher pupils not to interrupt with foolish questions then this behavior included in this category मतलब हम बच्चे को कहते हैं ना कई बार आपने देखा होगा आप teachers टी, जो hoti है ना हम लोग पढ़ाते हुए देखो बच्चों जो भी सवाल पूछना जब हमारा लेक्चर खत्म हो गया ऐसा सवाल पूछना जो आपको जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो ये उल्टे फुलटे questions मत पूछना तो हम बच्चे को पहले ही डायरेक्शन दे देते हैं तो इसके अंदर हम कहते हैं क्या है क्यों है कैसे है तो हम बच्चे को कहते हैं वॉट वाई हाउ इस तरह के सवाल पूछना कुछ फालतू के सवाल मत पूछना तो डायरेक्ट टॉक में इस तरह के सवाल आ जाते हैं ठीक है अब प्यूपल टॉक में प्यूपल टॉक में दो कैटेगरीज है प्यूपल टॉक रिस्पॉन्स सेम इन्क्लूड्स दी पीपल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर्स टॉक टीचर ने कुछ पूछा बच्चे ने बताया टीचर आस क्वेश्चन स्टूडेंट गिव दू द्वेश्चन टीचर ने क्वेश्चन पूछा बच्चे ने आंसर दिया एक तो ये आता है इनिशियशन में क्या आता है इनिशियट में टॉक बाई पीपल्स दैट दे इनिशिएट सिमिलरली बच्चे इनिशिएशन में हमने ये देखना है जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा इनिशिएट करे आप उससे पूछ रहे हो और बच्चा आंसर दे ठीक है ना अपने आइडियाज दे इनिशिएटिंग एक्सप्रेसिंग ओन आइडियाज नए मतलब अपने टॉपिक में से नया टॉपिक निकाले फ्रीडम टू डेवलप हमने आपने एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी में ये बोला गया है कि बच्चे को अपने आइडियाज को अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की अनु जो है फ्रीडम दी जाए सिमिलरली यहाँ पर है कि फ्रीडम टू ये देखो फ्लैंडर्स ने यह बात कब कही थी एनईपी 2020 में इस बात को महत्व दिया गया है कि फ्रीडम टू डेवलप ओपिनियंस थॉट्स बाय दी स्टूडेंट्स एंड अ लाइन ऑफ थॉट लाइक आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चन वो सही क्वेश्चन सोच सके गोइंग बियॉन्ड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सिमिलरली एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी में बोला है ना कि आपने ऐसी वैल्यूज डेवलप करनी है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स डेवलप करनी है क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग इमेजिनेशन ठीक है ना लॉजिकल थिंकिंग ये सारा क्या है यही तो इनिशिएशन पीपल टॉक इनिशिएशन पीपल टॉक इनिशिएशन बेस्ड ऑन दी एनईपी ट्वेंटी 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 फर्स्ट सेंचुरी स्किल और वी कैन से ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल अंडर एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी बेस्ड ऑन प्य टॉक इनिशिएशन वेयर स्टूडेंट्स आर बी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर गिव फ्रीडम टू स्टूडेंट्स टू थिंक टू टू फ्रेम देयर ओन नॉलेज टू थिंक थॉटफुल क्वेश्चन ठीक है टू एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी नेक्स्ट है लास्ट है साइलेंस और पॉज और कंफ्यूजन Short of silence, of in which टीचर भी पढ़ाते, पढ़ाते उसको समझ नहीं आता वो भी भटक सा कई बार जाते हैं तो इसी तरह बच्चा भी कई बार बोलते बोलते उसको लगता है कहीं मैं सही तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या कर रहा हूं तो वो चुप हो जाता है तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति कई बार पैदा हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कोडिंग प्रोसेस अब इसमें जो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस है है इसमें एनकोडिंग कैसे होती है? जैसे मैंने आपको बताया एनकोडिंग है क्या राइटिंग प्रोसेस है कैसे होती है ध्यान से सुनना ऑब्जर्वर सिट्स इन द्लास क्लासरूम इन दी बेस्ट पोजीशन टू हियर एंड सी दी पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वर जो है ना वो क्लास में ऑब्जर्वर जो है वो क्लास में देखेगा सुनेगा टैली इसमें क्या होता है टीचर जो पढ़ाता है ना जो ऑब्जर्वर है वो टैली बनाता है वो टैली का मैं आपको बताऊंगी अभी नीचे जाके ये अठारह पर है पहले मैं आपको समझा देती ये होता कैसे है ठीक है एक वन टैली फॉर एवरी थ्री एक तीन सेकेंड में अगर उसको कुछ लगता है ठीक है तो वो एक टैली बना देता है और ट्वेंटी टैलीज वन मिनट में बनाएगा और हंड्रेड टैलीज इन फाइव मिनट्स में और एक घंटे में बारह सो टैलीज वो कर सकता है टैलीज में यही सारे टॉक्स होते हैं टीचर्स टॉक ये सारा कुछ होता है और इसमें क्या होता है इन दिस प्रोसेस ओनली द सीरियल नंबर्स ऑफ द कैटेगरीज आर रिकॉर्डेड अब क्या होता है जो ये मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट टॉक टीचर्स टॉक इनकी ये सीरियल नंबर्स है जो ये अभी आपने ऊपर पढ़ ली हैं जो ये टीचर टॉक की कैटेगरी वन है कैटेगरी टू है ये जो मैंने ऊपर अभी आपको सारा कराया है ना कैटेगरी वन कैटेगरी टू ये टीचर स्टॉक है और तो ये जो ये, ये वाला है टीचर स्टॉक में इनडायरेक्ट टॉक की चार कैटेगरीज डायरेक्ट टॉक की तीन कैटेगरी सी वन सी टू सी थ्री कैटेगरी वन कैटेगरी टू और सिमिलरली पीपल टॉक की दो कैटेगरीज कैटेगरी एट कैटेगरी नाइन और कैटेगरी टेन तो ये क्या कहता है कि ओनली सीरियल नंबर सी वन डाल दिया ना सी तो वन से हम समझ गए कि एक्सेप्ट फिलिंग की बात कर रहा है सी टू डाल दिया तो हम ये कह देंगे कि मान लो जब सी टू सी टू तो हम कह देंगे कि प्रेज इसी तरह डायरेक्ट टॉक में अगर मान लो उसमें अगर चार है अगर सी फाइव डाल दिया तो हम ये कहेंगे लेक्चर है तो इसका मतलब सिर्फ कैटेगरी के नंबर से समझ जाओ सी वन सी टू सी थ्री की ये कैटेगरी की बात हो रही है इसमें ये ये चीजें आती हैं

पढ़ाने का तरीका है वो ठीक है उसने इन डायरेक्ट टॉक में इतनी, इतनी यूज, करी, में इतनी यूज करी. Process, जो आप करते जा रहे हो न, process, वो होता है राइटिंग बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरी वो जो राइटिंग करिए ना वो आपको बता देगा टीचर कितना सक्षम है क्लासरूम में पढ़ाने में द ऑब्जर्वर शुड रिमाइंडर द सीरियल नंबर ऑफ दिस कैटेगरीज टीचर को जो ऑब्जर्वर बैठा है ना और जो टीचिंग ऑब्जर्व कर रहा है उसको याद होना चाहिए कैटेगरी सी वन क्या है सी टू क्या सी थ्री क्या है ठीक है अब रूल क्या है रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग अब रिकॉर्डिंग डी uh, कैसे होगी डिकोडिंग कोडिंग मीन्स वो समझेगा कैसे चीजों को अभी तो हमने एनकोडिंग किया एनकोडिंग में हमने ये बताया कि वो नंबर लिखेगा सिर्फ सीरियल नंबर जहां ऊपर ऊपर रोज में और यहाँ इसमें कॉलम्स में जो प्रोसेस है C1, C2, C3, C4 फोर वहां पर वो सिर्फ टैली डालेगा अब वो टैली कैसे डालेगा रूल वन कहता है इफ मोर देन वन टाइप ऑफ कैटेगरी अकर्स ड्यूरिंग अ अ पीरियड द ऑब्जर्वर शुड चूज द कैटेगरी दैट इज न्यूमेरिकली फार्दर फ्रॉम कैटेगरी फाइव बट नॉट कैटेगरी टेन सपोज द ऑब्जर्वर इज इन डाउट वेदर द कैटेगरी टू और थ्री ही शुड राइट टू कैटेगरीज कहने का मतलब ये मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि पढ़ाते हुए उसने टीचर ने जो है इनडायरेक्ट टॉक में फीलिंग्स भी ले ली प्रेज भी कर दी अब क्या हुआ आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सीवन लू या सीटू लू तो आप क्या करोगे जब आप आप आपने मतलब आपने उसकी प्रेस भी करी और फीलिंग्स भी एक्सेप्ट कर ली तो आप सी टू की कैटेगरी चूज कर लेना कि भैया सी टू कैटेगरी में ठीक है क्योंकि वो वहां पर फीलिंग एक्सेप्ट कर रहा है फीलिंग एक्सेप्ट है और उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहा है तो यहां पर ये यह कहना चाह रहा है कि अगर आपको आपको ये लगता है कि उसने एक साथ दो चीजें कर ली तो जो बेटर है उस उसमें आप रिस्पॉन्ड कर दो दूसरा है द ऑब्जर्वर शुड नॉट इन्वॉल्व हिज पर्सनल व्यू में अब आपको ये लगे मतलब हमें हमें सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए हमें ऑब्जेक्टिविटी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी ये देखना है 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 कि अगर वो, अगर वो 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 मान लीजिए प्रेज प्रेज कर कर रहा है और में वो कर रहा और में फीलिंग तो आप प्रेज लिख सकते हो प्रेज में एक्सेप्ट फीलिंग भी आएगी और बच्चे के बच्चे जब उसने फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया इसका मतलब उसने उसकी प्रेज करी बेटा आपने बहुत अच्छा कहा है वेरी गुड वेरी नाइस एक्सीलेंट ऐसे करके तो क्या हो गया जब हम वेरी गुड वेरी नाइस एक्सीलेंट बोल रहे हैं तो ये भी तो इसमें स्टूडेंट इसमें वो भी तो आ गया जो स्टूडेंट्स का कि भैया टीचर बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है इनिशिएशन और हम जो है बच्चे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आपको इसमें व्यू पॉइंट जो है ना पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं लाना इसमें जो टीचर ऑब्जर्वर है उसको क्रिटिकली थिंक करना है कि मैंने कौन सी कैटेगरी में टैली ली है रूल थ्री कहता है इफ मोर देन वन कैटेगरी इज एक्टिव इन स्पैन ऑफ मतलब सेकंड के अंदर मान लीजिए तीन कैटेगरी एक साथ एक्टिवेट हो गई देन ऑल दी कैटेगरी शुड बी रिकॉर्डेड इफ आफ्टर थ्री सेकंड नो कैटेगरी चेंज सीरियल नंबर शुड बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट थ्री सेकेंड वो ये कह रहा है कि अगर मान लो तीन सेकेंड के अंदर एक साथ तीन कैटेगरीज हो गई तो आप पहले एक कैटेगरी ले लो फिर तीन सेकंड के बाद फिर दूसरी कैटेगरी को ले सकते हो सेम सीरियल नंबर पर

फोर्थ कैटेगरी आप देख लेना मैं ऊपर जो है यहाँ पर फोर्थ कैटेगरी पीपल टॉक डायरेक्ट टॉक टीचर टॉक कैटेगरी फोर है आस्किंग क्वेश्चन इसको हम डाल सकते हैं क्योंकि जब कई बार क्या होता है बच्चे का नाम जब आपको याद हो जाता है ना तो बच्चे को जब बच्चा आंसर दे रहा है और उसका नाम आपको याद है तो आप बोलोगे रेनू खड़े हो जाओ आंसर बताओ तो बच्चा बड़ा खुश होता है कहता है मेरा टीचर को तो मेरा नाम याद है तो इसको आस्किंग क्वेश्चन कैटेगरी फोर में डालना है ठीक है रूल सिक्स कहता है व्हेन द टीचर रिपीट्स द स्टूडेंट आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट दैट इज रिकॉर्डेड एज कैटेगरी नंबर टू सेम चले जाओ इन टॉक में

रूल टेन कहता है सीरियल नंबर कैटेगरी एट इज रिकॉर्डेड जो पीपल टॉक है का, initiation, initiation. वो इनिशिएट कर रहा है किसी नई चीज को तो ये रूल है कि, कि हमें कैसे टैली में आगे हमने टैली कैसे करनी है मैट्रिक्स में ठीक है अब इंटर जो इंटरेक्शन की मैट्रिक्स है वो कैसे बनेगी फ्टर एंड कोडिंग और ऑब्जर्वेशन जब ऑब्जर्वेशन पूरा हो गया अब क्या होता है ऑफ इंटरक्शन द कोडेड बिहेवियर्स रिटर्न इन इंटू टेन टेबल दिसल इज नोन हमें tables की और rows की एक matrix बनाएंगे हा हेलो एनीबडी आस्किंग क्वेश्चन द कैटेगरी नंबर्स ऑफ द रिकॉर्ड शीट द टेबुलेटेड इन दिन मैट्रिक्स टेबल जो आपने टैलीज uh, लगाई है वो मैट्रिक्स टेबल में अब जाएंगी ईच नंबर इज एंटर्ड इन द द द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस पेयर्स बीइंग यूज्ड ट्वाइस फर्स्ट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड सेकंड इज नंबर मतलब अभी आपको बताती हूं फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या है द द रो ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट नंबर एंड द कॉलम्स सेकंड नंबर जो मैट्रिक्स का जो रो का नंबर होगा वो फर्स्ट होगा और जो सेकंड होगा वो कॉलम का होगा फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इज 6 10 सेवन फाइव वन फोर एट तो बिगनिंग जो द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कोडिंग शुड हैव है सेम नंबर ऑफ द कैटेगरीज कैसे सिक्स टेन सिक्स हो गया आपका फर्स्ट नंबर हो गया आपका मैट्रिक्स का रो का और टेन हो गया आपका आ, आ, इसका कॉलम का नंबर तो जो सिक्स और टेन फिर जब आप दोबारा रो बनाओगे तो टेन सेवन और जब थर्ड टाइम बनाओगे तो सेवन फाइव जब चौथी बार बनाओगे फाइव वन वन फोर फोर एट एट फोर इट इज दिन ऑफ दंबर टेन इन दिग्निंग एंड एट देंस दबर इन दिस वे सिक्स सेवन फाइव फाइव वन वन फोर फोर एट एट फोर फोर टेन ठीक है इस तरह से आप पहले का नंबर दूसरे में दूसरे के कॉलम फिर दूसरी बार फिर जब टेन है तो ये रो बन जाएगा जो सेवन है वो कॉलम बन जाएगा तो इस तरह से आपने इसको लेना है मैं आपको उस वो भी बताती हूँ कैसे देखो ये बन गया ना सीक्वेंस ऑफ दियर टेन सिक्स सिक्स टेन फिर टेन सेवन सेवन फाइव फाइव वन वन फोर फोर एट एट फोर फोर टेट जैसे मैंने आपको बताया था रो कॉलम देन अगेन रो कॉलम ये यहां पर कॉलम था यहाँ रो बन गया ठीक है यहां पर ये कॉलम है ये फिर यहाँ रो बन गया पहला नंबर रो दूसरा नंबर कॉलम तो ये ऐसे बनेगा वाइल्ड प्रिपेयरिंग मैट्रिक्स वन पेयर इज एट अ टाइम एक पेयर एक मा एक पेयर को एक टाइम पर लिखना है द मैट्रेस रोज एंड द कॉलम दंबर रो एंड इन द फर्स्ट पेयर द नंबर रिप्रेजेंट रो एंड द नंबर सिक्स रिप्रेजेंट कॉलम एवरी पेयर ओवरलैप पेयर ओवरलैप तो वही रहा है क्योंकि हम दूसरा नंबर फिर दूसरे में ले रहे हैं कॉलम के रूप में रो के रूप में टोटल टैलीज होती है वो एन कहलाती है इन द मैट्रिक्स वन दट इज वन रखते हैं इन द अब एग्जाम्पल एन टेन जो है ना वो नाइन नंबर सिर्फ नौ नंबर मार्क करेंगे सारे नहीं मार्क करेंगे ईच मैट्रिक्स हंड्रेड सेल्स कैसे ये देखो ये रहा रोज और इधर है कॉलम्स ये मैं लिख नहीं पाई हूँ यहाँ कॉलम्स पर ये कॉलम्स है आप मेरे इससे समझ जाओ ये जो मैं आपको निशान दिखा रही हूं एरो रोज है अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल टोटल यहां पर हमने ले लिया यहाँ पर ये यह टोटल यहाँ पर फिर ये यह यहाँ पर फिर यहाँ से शुरू किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ टोटल आ गया ठीक है अब क्या है यहाँ पर आपने यहाँ पर मान लीजिए फोर्थ में यहाँ पर फोर्थ ये जो है ये ये रोज जो है ये किसको ये कैटेगरी वन फोर को दिखा रहे हैं अब कैटेगरी फोर इनडायरेक्ट टॉक में आ गया आप इनडायरेक्ट टीचर्स टॉक में चले जाओ ये भी यहाँ पर भी ये भी ये भी कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री ये दस कैटेगरी दिखा रहे हैं अब क्या है कि अगर हम इसको जब हम मार्किंग करते हैं तो हम रो के रूप में और कॉलम के रूप में ये कॉलम्स हैं ये रोज हैं तो यहाँ पर कैटेगरी फोर मान लीजिए टीचर ऑब्जर्वर देख रहा है टीचर को पढ़ाते हुए और उसको इनडायरेक्ट टॉक का कैटेगरी फोर तो उसने यहाँ पर टैली कर दिया अब ये टैली वन हो गई यहां पर मान लो टू और थ्री में टे, कैटेगरी टू और थ्री में कुछ बोला ही नहीं टीचर ने उसको समझ ही नहीं है उसको जीरो जीरो दे दिया सिमिलरली जैसे फोर में गया कैटेगरी आठ हो गई कैटेगरी टेन हो गई कंफ्यूजन की स्थिति हो गई और पीपल स्टूडेंट्स टॉक उसमें कैटेगरी नाइन पीपल टॉक है ना पीपल टॉक और इनिशिएशन तो ये यहां पर आ गई सिमिलरली कैटेगरी फाइव कैटेगरी फाइव में अगर उसको सी टू कैटेगरी मतलब टू का समझ आया इनडायरेक्ट टॉक टीचर्स का तो यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर ये यह टोटल आता गया ठीक है और यहाँ पर जो भी टोटल आएगा ये हमने ये नौ आ गया सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि जब कैट रो कॉलम के रूप में है और रो के रूप में है, सेम है तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी आ, इसने यहाँ पर बोला एक तो यहाँ पर जीरो यहाँ पर आ गया एक ये यह यहाँ पर मेरे से ये जो है ना यहाँ पर जीरो है ये यहाँ पर आएगा ये, इस तरफ तो ये यहाँ पर इसको यहाँ पर जो दो और तीन है यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर एक है तो यहाँ पर हम एक ले लेंगे ठीक है अगर यहाँ पर दो और तीन जो है ये यहाँ पर इसने कुछ नहीं बोला तो यहाँ पर भी दो और तीन क्योंकि कैटेगरीज तो वही है और ये कैटेगरी फाइव है तो यहाँ पर कैटेगरी फाइव में कुछ नहीं बोला तो यहाँ पर जीरो जीरो आ जाएगा ठीक है तो ये भी जीरो और जीरो आ जाएगा ये जो टोटल यहाँ पर हमने ये जो एक डाला है ना ये मैं अभी ठीक नहीं कर पा ये यहाँ पर आएगा कैटेगरी फाइव में इधर आएगा कैटेगरी फाइव में कि कॉलम में कैटेगरी फाइव में इसका ये जो वन है वो यहाँ पर इंक्लूड हुआ है टू और थ्री में इसका कुछ भी इंक्लूड नहीं हुआ है तो जब आप इसको टोटल करोगे तो ये टोटल नो आएगा तो ये कैटेगरीज है और ये भी कैटेगरीज है जो आपने ऑब्जर्वर ने वहां नोट किया है वो यहां पर इसको टैली के रूप में डालेंगे आपने देखा होगा ना टैली कैसे करते हैं आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा वन टू थ्री फोर और जब फाइव आएगा तो उसको एक लाइन दे देंगे डायगनल शेप में तो वो होती है कैटेगरीज अब ये देखो ये इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे इंटरेक्शन जब आपने जब आ, अब आपने क्या किया अब आपने टैलीज लगा दी अब आप इस टैलीज को देखोगे कैसे तो टीचर टॉक रेशो परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक टीचर टॉक में क्या होता है सारी कैटेगरीज को ऐड कर दो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई एन जो टोटल इन टू हंड्रेड परसेंटेज आ गया वो इसी तरह से इनडायरेक्ट टीचर स्टॉक इनडायरेक्ट टीचर स्टॉक कैसे होता है सी वन सी टू सी थ्री सी फोर डिवाइडेड बाय एन और इन टू हंड्रेड तो डायरेक्ट टीचर स्टॉक सातों होंगी इनडायरेक्ट टीचर स्टॉक में चार होंगी कैलकुलेट बता रही हूँ सिखा रही हूँ कैसे करना है ये रहा वो इनडायरेक्ट था अब डायरेक्ट टीचर टॉक डायरेक्ट टीचर टॉक में सी फाइव सी सिक्स सिक्स सेवन डिवाइडेड बाय एन इंटू हंड्रेड और अब अब प्यूपल स्टॉक में प्यूपल स्टॉक कैसे लोगे प्यूपल स्टॉक में सी एट और सी नाइन आता है ना सी एट प्लस सी नाइन डिवाइडेड बाय एन इंटू हंड्रेड ये आपको बताएंगे

इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट रेशियो उसके लिए हमने सेवन जो है सी वन सी 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 वन सी प्लस सी टू सी थ्री करके इंटू हंड्रेड तो ये होता है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट रेशियो ठीक है इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो अब ये जो इंटरेक्शन एनालिसिस है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी इंप्लीकेशन है इट ऑफर्स अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग personality ह्यूमन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड पर्सनल लाइफ पैटर्न क्योंकि ये टीचर की पर्सनालिटी को निखारते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को निखारते हैं कि टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरती है और एक ये एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी के कंसेप्ट को अपने साथ रखते है कैसे रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी पीपल एट ऑल एजेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर कैपेबल ऑफ लर्निंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन एंड एक्शन एडल्ट एजुकेशन होता है ना भैया पर भी वो अपने ले सकते हैं एजुकेशनल डिफिकल्टीज कैन बी एड्रेस इफेक्टिवली विथ कोऑपरेटिव गुडविल एंड अ कोहरेंट थेरेटिकल फ्रेमवर्क विच क्लैरिफाइज ह्यूमन डायनेमिक्स इनवॉल्व मतलब अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आता कहीं पर दिक्कत है तो कोऑपरेशन जिसे कहते हैं ना जब हम बात करते हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स की लॉजिकल थिंकिंग हम बात करते हैं क्रिएटिविटी तो इसमें क्या होता है कि हमें जो जो एक थेटिकल फ्रेमवर्क हम बनाते हैं और कोऑपरेशन से हम ये सोचते हैं कि बच्चे को वो चीज समझ आ जाए ये इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टीचर कि वो इस तरह से माहौल बनाए कि बच्चे को समझ में आए तभी तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं

प्रिवेंट प्लेइंग गेम्स मतलब हम गेम का मतलब यह है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जर्वर है वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है हम फालतू की बात नहीं कर सकते अगर जोक्स भी सुनाना है तो हमें एजुकेशन से रिलेटेड सुनाना है कोई एक्स्ट्रा जोक नहीं सुनाना हेल्प टू लीड स्टूडेंट्स विनर्स लाइफ स्क्रिप्ट मतलब जो बच्चा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको अच्छा समझ में आ रहा है वो अपनी लाइफ में विनर ही तो है क्योंकि आगे जाके इन्हीं बच्चों ने ही तो देश को संभालना है एडवांटेजेस ऑफ फ्लैंड इंटरक्शन एनालिसिस इट इज एन इफेक्टिव टूल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दी सोशल इमोशनल क्लाइमेट इन दी क्लासरूम। ये एक इफेक्टिव टूल है क्लासरूम में सोशल इमोशनल क्लाइमेट को जांचने का इट इज आल्सो यूज फॉर इन सर्विस टीचर्स इसे इन सर्विस टीचर्स जो टीचर्स ऑलरेडी जॉब में है उनके साथ भी यूज कर सकते हैं ये पीपल टीचर्स वो फीडबैक प्रोवाइड करता है बच्चों के जब इट प्रोवाइड्स फीडबैक मतलब जो वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं इट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड मेथड फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग क्योंकि इसमें सब कुछ है इनडायरेक्ट टॉक है डायरेक्ट टॉक है है कंफ्यूजन वाली स्थिति है इट इज टीचर्स टॉक ओरिएंटेड इसमें टीचर्स के वर्बल बिहेवियर को ज्यादा देखा जाता है इट इज यूज टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ द टीचर्स एट डिफरेंट एज लेवल जेंडर सब्जेक्ट इट इज मच यूजफुल इन टीम टीचिंग टीचिंग एंड माइक्रो माइक्रो टीचिंग टीचिंग और टीम के ज्यादा होता जैसे मैंने आपको बताया था बिफोर गोइंग टू स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम इसकी क्या है इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग और टेन इंटू टेन मेट्रिक जो है ना इसको तैयार करने के लिए ना हमें ज्ञान की जरूरत है हमें पता होना चाहिए कि टेन इंटू टेन मेट्रिक क्योंकि सारे टीचर्स नहीं तैयार कर सकते और ना ऑब्जर्व कर सकते हैं लेस अटेंशन हैज बीन पेड टूवर्ड्स पीपल टॉक पीपल टॉक को तो कोई देता ही नहीं सब टीचर टॉक को ही देखते हैं भाई बकौर किसके पास इतना समय है कि बच्चों के बच्चों को समझाए और उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि वो टॉपिक को इनिशिएट कर सके दब्जर्वर है टैलीज लगाना कौन से जो टीचर पढ़ा रहा है कौन सी टैली किस कैटेगरी में लगानी है ये ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग की जरूरत है क्लासरूम इंट्रैक्शन ऑफ पीपल पीपल टाइप इज नॉट कंसिडर्ड जो स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन है ना वो यहाँ पर नहीं लेंगे कोडिंग में सिस्टम ऑफ कोडिंग एंड डी कोडिंग प्रोसेस वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव भैया कोडिंग और डी कोडिंग को तो समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए हमें ट्रेन होने की जरूरत है अगर हम बाहर से किसी को बुलाएंगे तो पे करना पड़ता है रिसोर्स पर्सन को सब कुछ तो इस तरह से ये जो फ्लैंड इंटरक्शन एनालिसिस है ये अपने आप में टीचर्स को फीडबैक देने में सक्षम होती है वेदर द स्टूडेंट इज अनर ऑफ लाइफ स्क्रिप्ट और नॉट मतलब कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये फ्लैडस इंट्रैक्शन एनालिसिस एक तरह से टीचर्स को उसको किस तरह से क्लासरूम की प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है बाकी ये थैंक यू कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं

I give a really heartfelt thanks to our chief guest, Dr. Poonam Gaur ma'am, principal, retired Bishop principal, Diet Moti Baag, SCRT. Who despite his, her busy schedule, has found time to honor this program. Respected ma'am, has enlightened us guest lecture on Flanders Interaction Analysis, which is surely going to very helpful

coordinator, mukta men, Hindu and faculty members, digital team, for their valuable contribution, guidance, and support to all our effort. i thank all the distinguished participants for giving their valuable time and cooperation to make this program grand success. last but not least, i thank you all for your cooperation. In making this event this around the success once again i thank you all for your attention thank you thank you so much ma'am thank you thank you so much ma'am with this note i muktatiwari sign up.